तो मैं जैसे ही डेट में पहुंचती हूँ मैं स्टेयर से नीचे उतर रही थी और मैं जाके देखती हूँ कि ये तो जश है ही नहीं oh my God. तो ये मुनवर क्या कर रहा है यहाँ पर मेरे ना तलवे से ना जमीन निकल जाती है मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं yes. मैंने एक्सपेक्ट ही आप आओगे कोई बात नहीं मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा था नहीं दी हाय हेलो आई मीन मुझे लगा जश हो गया इधर अरे जश के साथ तो इतना सा टाइम से थी ना तो समथिंग डिफरेंट होना चाहिए <laughs> जैसे मैं डेट पे पहुंचा द सेटअप वाज सो ब्यूटीफुल आई वाज सो मेस्मराइज्ड बाय इट एंड आई कैन सी कि समवेयर सिंगल लेकिन

मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसके साथ यू नो मैं आगे का सोच सकती हूँ उदनाट हाँ, ही नहीं किया था मैंने क्योंकि मेरी लाइफ में पहले काफी लोग आए जो अप टू नहीं थे बट फिर भी मैं यू नो एडजस्ट करती थी उनके साथ बट मुझे पहली बार एक ऐसा इंसान मिला है कि मुझे कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा बाहर की दुनिया में अगर आपको जश्वन मिला होता तो आपको लग रहा है कि वो यही चीजें कर रहा होता शायद हाँ। शायद? शायद हाँ। नहीं। नहीं कर सकते कि कौन कह रहा है, कौन बोल रहा है। But, जैसे उसका अपने साथ देखा है ना मुझे ऐसा लगता है वो रियल लाइफ में भी वैसा ही है होगा, हो सकता है काम करता है जिम जाता है ड्राइव करता है मोबाइल फोन यूज करता है तो अपना कहीं ना कहीं जो टाइम यहाँ पे तो ऐसे है नाइट्रेडेंट तो हाँ. right? so टूट मुझे आखिरती बाहर जाके हमें कंटिन्यू करना है तुम मुझे पसंद करती हो तो वो है उसके अंदर की वो चाहता है कि मैं उसके लाइफ में रहू my connection coffee is strongish say we've been together we speak without speaking like don't just make John. hi it's a Oh it's like even when we perform it's like she knows what i need and i know what she needs so, what she needs right now right now she needs me and to win and to win yeah like the trophy is what matters and what do you need i need to win her and the trophy both you need to win her and the trophy yes ऐसा सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन लाइक वाई एम आई हेयर तो इस शो पे आपको क्या इम्पोर्टेंट इजी करूँ थोड़ा हाँ जशवंत के साथ यहाँ से बाहर जाकर जो जिंदगी है यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वो mm. आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है mm. या ये शो को जी दोनों ही यू हैव टू पिक वन शो और जशवंत देखो मेरा सपना था कि मुझे फिनाले तक जाना है मैं पहुंच गई पहुंच गई सपना पूरा सपना पूरा एंड मुझे जशवंत मिला एंड आई हैप्पी। तो अभी चले पर मुनवर ने बोला कि अब तो तुझे जश मिल गया है और अगर तुझे प्यार ही चाहिए था तो एक काम करो जश को लो और घर जाओ मैंने कहा भाई क्या हो गया है सब ठीक है मतलब मैंने कुछ बिगाड़ा तो नहीं है आपका आप क्या बोल रहे हो एक सेकंड मुझे बहुत ठंडी लग रही है मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ तो गर्मी तो बढ़ने वाली है वैसे भी okay. जैसे बहुत सारे सरप्राइज <laughs> इसके साथ और एक सरप्राइज था <laughs> कि आपको एक विनिंग प्राइज मिलने वाला है कितना <laughs> अगर आप फिनाले कल जीतते हो <laughs> तो आप जानना चाहते हो अमाउंट हाँ ऑफ कोर्स इट्स फिफ्टीन लाख

दस लाख रुपए तुम्हारे हो सकते तो तुम्हें पता है उसके लिए क्या करना होगा दस लाख के लिए क्या करना होगा बहुत सिंपल है तुम्हें दस लाख लेने हैं और शो छोड़ के चले जाना है व्हाट तो जशवंत और आप दस लाख रुपए लीजिए कंपटीशन भूल जाइए आप जो अपना प्यार यहाँ से जीत के लेके जा रहे हो तो वो शायद ट्रॉफी की जगह घर पे फुल फील कर दो और ये भी याद रखो कि जैसे कि आप यहाँ पे डेट पे आए हो तो आप सोच रहे होंगे आप जिसके साथ डेट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो कहा वक्त उर्फी के साथ डेट पे और उर्फी ने भी उन्हें सेम ऑफर दिया हुआ ठीक है तो आज रात आप दोनों बैठिए सोचिए

ये तो तुम्हें सोचना है यार तुम्हारे और आकृति के बीच की बात है हाँ मैं टेम्पलेट फील कर रहा था बिकॉज टेन लैक्स तो ह्यूज अमाउंट दूसरा ऑफर ये है अगर आप जीतते हो तो आपको अमाउंट पंद्रह लाख ना मिले पांच लाख मिले क्योंकि बाकी के दोनों कपल में से किसी ने वो दस लाख वाली ऑफर ले ली हो तीसरा ऑप्शन ध्यान से सुनना बहुत देन ये बहुत इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग ये तो अगर आपने प्यार जीत ही लिया है तो फिर जरूरी नहीं होता कि हर डिसीजन में तुम एक साथ एक दूसरे के साथ रहो क्यों पता है हां क्योंकि आपकी जर्नी मैंने देखी है आपने अपनी बात तो रखी है रिंग मास्टर तो हो आप राइट <laughs> right? हां आप खुद दस लाख लेते हैं ये शो छोड़ सकते हैं अजय जस्ट हम लोग ना पहले नहीं गए वाओ wow. क्या चल रहा है दिमाग में दिल में दिमाग में दिमाग hmm. और दिल दोनों का दोनों hmm. दिमाग में मैं बोल रहा हूँ कि कोई और ये ऑफर लेगा हो and I'll be left with five lakhs and the title of winning spitzer right? maybe. maybe maybe और क्या पता आकृति दस लाख <laughs> लेके <laughs> और you'll be left with nothing ना आकृति ना, ना पांच लाख ना करेज बस <laughs> फाइनल लिस्ट हो यार हर तरह से बोलते ना दोनों हाथ में लड्डू है आपका तीसरा हाथ होता तो उसमें भी लड्डू था कड़क ऑफर है <laughs> ने बहुत लोगों को बिट्रे किया है शो में भाई hmm. बहुत लोगों को और मुझसे उड़ती उड़ती ऐसे थोड़ी बहुत चिड़ियाओं ने बोला था मुझे hmm. कि अगर आकृति को मौका मिलेगा वो पहली बाजी में जशवंत तोड़ आएगी कुछ भी हो सकता है yeah. आपके पास आज पूरी रात का वक्त हमारी डेट यही खत्म होती है आपकी और मेरी डेट थी है। बिल्कुल

आई मीन डे हमने साथ में आज जीता सेमीफाइनल है सो सरप्राइज की भी तो बात हुई थी उसके साथ डेट सरप्राइज थोड़ी होता अच्छा सरप्राइज है अच्छा awesome सरप्राइज है थैंक यू सो मच मैं वहां डेट लोकेशन पे पहुंचा तो मैंने देखा वहां उर्सी है, है। माँ कैसे मेरे चेहरे का रंग उड़ गया है मेरा दिमाग खराब हो गया है मेरे को ऐसा लगा कि क्या हो गया है अब ये क्यों आई है

congratulation for that thank you so much so it's like batao the journey yaar baat hai okay so jab main yahan par aayi thi uh main splitsville a mein as an escape soch ke aayi thi ki it will be an escape for my past life past life jo bhi mera past tha my ex or whatever things were going on hmm. it was not that beautiful hmm. <laughs> and i met harsh starting mein mujhe बिल्कुल मेरे type का नहीं लगा

हर्ष वेरी क्लियर आई थिंक उसका आंसर भी सेम हो आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि वो जब आया तो वो शो जीतने आया था कंपटीशन उसके लिए सब कुछ है वो आया था अब जो हमारी बातें होती है ना अब मेरे लिए कंपटीशन है कि आई वांट टू विन इट आई इफ आई एम हियर एंड ही वांट्स टू विन इट फॉर मी दैट्स सो स्वीट तो क्या लगता है जीत जाओगे कल यार जब यहाँ आया था तो सोचा था गेम जीतूंगा फिर दिल जीत गया तो शो भी जीत जाऊंगा पक्का है हंड्रेड देखो पक्का तो कुछ भी नहीं वो चांस है कि नहीं जीतोगे शायद तुम मैं ऐसे सोचती ही तो चलो ठीक है नहीं। तुम नहीं सोचते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर दे देती हूँ okay. कि कल जो जीतेगा कैस करो से कितना विनिंग अमाउंट मिलेगा दस लाख हम्म फिफ्टीन लैक्स 15 लाख? Yeah. Oh wow. अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूँ. पहले मुझे लग रहा था कि मैं जीतूंगा अब ए, अब लालच आ रहा है कि जीतना पड़ेगा. I love money. I also. Same. Winning prize जो है 15 लाख उसमें से. Harsh के साथ 10 लाख रुपए लेके आप. शो छोड़ के जा सकते. और विनर को मिलेगा. पांच लाख रुपए ऑफर ओके कि अगर आप चाहो तो खुद अकेले भी वो दस लाख रुपया लेके जा सकते हो इसमें आपको हर्ष की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे अगर रुशाली चाहती है तो वो अकेले भी पैसा लेके जा सकती है और फिर तुम ना गेम खेल पाओगे इतना तुम्हें विनिंग टाइटल मिलेगा नहीं मानी इट्स अ थिंग टू थिंक अबाउट कि क्या होता है ना जीत हार तो चलते रहती कुछ करना याद रह जाना होता है और ये करना भी तो याद रह जाना है जो इंसान जीतेगा भी वो भी सबसे पहले आपको याद करेगा कि यार वो मेरा दस लाख लेके चले गया <laughs> I will think about it. Sure. Thank you so much. Please take care of yourself and congratulations. Bye-bye. So yeah. See you. Thank you. Thank you for the offer. यहाँ पर मैं गेम के लिए भी नहीं आई थी यहाँ मैं कनेक्शन के लिए भी नहीं आई थी मैं यहाँ पर मेरे लिए आई थी मेरे मन में ऑलरेडी डिसीजन बन गया था बट उन्होंने मुझे बोला था कि तुम एक पूरी रात लो तुम सोचो तो आई like okay, I'll think about it. मैं खुश होकर वहां जाती हूँ एंड वहां था मुन्ना यूजुअली उनको देख के मुझे काफी खुशी होती है पर उस समय नहीं हो पा रही थी आई वॉज लाइक फिनाली से एक रात पहले आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे डेट पे नोटिफिकेशन में कहा गया था कि ये फाइनलिस्ट के लिए डेट है सो hmm. सरप्राइज so, भी कहा गया था I think शो में मुझे काफी surprises मिल चुके हैं। I am okay with just sweet now। कहीं ना ये यहाँ पे आपका पहुँचना

ये तो उर्फी है यानी कि मिस्चिफ मेकर और भाई अब तो फिनाले आ गया अब कौन सा मिस्चिफ रह गया अब मैं कोई मिस्चिफ नहीं चाहता अपनी जिंदगी में गाय <laughs> क्या होने <laughs> वाला है अब पहले बैठो <laughs> तुम बताओ कैसा लग रहा है जीत के बहुत अच्छा बहुत अमेजिंग फीलिंग है mm. Being the finalist, you starting से सोचते हो आप ड्रीम करते हो कि भाई हाँ फाइनल में जाना है जीतना है तो बहुत अच्छा लगा कशिश के बारे में थोड़ा सा बताओ क्या सीन है तुम दोनों का अच्छा चल रहा है शी स्मार्ट, शी शी स्मार्ट स्मार्ट या सेंस उसे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है तो उन्नति के साथ ज्यादा मजा आ रहा था डेट पे की कशिश के साथ नहीं जब उन्नति के साथ डेट पे था तो दैट वाज रियली स्पेशल वो काफी रोमांटिक डेट तो थी मिस उन्नति बाहर जाके मिलोगी उन्नति से डेफिनेटली Mm. हाँ, बिल्कुल यहाँ मेरा लव कनेक्शन उन्नति के साथ ही ज्यादा है चाहे वो कुछ टाइम पहले शो से निकल गई थी बट जैसे मैं उन्नति के लिए फील करता हूँ वैसा मैं किसी और के लिए नहीं फील करता <laughs> तो पहले तो पावर मैच हो आप और फिनाले में भी हो तो उसके mm -hmm. लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत थैंक यू सो मच आई फील लाइक अ बट इज कमिंग बट तो नहीं आ रहा है बट फ्लिट्स uh, विला

तुम तुम चाहो जी तुम और दोनों एक्चुअली तो पंद्रह लाख में से mm -hmm. दस लाख रुपए ah. बिना चैलेंज खेले तुम नहीं जा सकते अच्छा दैट इज द ऑफर बट तुम फिर चैलेंज परफॉर्म नहीं कर पाओगे एंड बट यू विल वॉक अवे विथ टेन लाख रुपीस मेरा तो दिमाग घूमता है कि भाई अगर ये ऑफर मुझे आया तो ये बाकी जो फाइनलिस्ट्स हैं उनके पास भी आया होगा एंड कोई ना कोई तो ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये नॉर्मल ऑफर नहीं है दस लाख रुपए गाइस कम नहीं होते हैं तीसरा ऑप्शन भी दू है यस बिल्कुल तीसरा ऑप्शन ये है आप दस लाख का अमाउंट अकेले यहां से लेकर जा सकते आपको किसी के डिसीजन की या किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और आपकी जैसी पर्सनालिटी है आई डोंट थिंक आपको कभी वो जरूरत पड़ी और ना ही कभी पड़ेगी तो आप अपने लिए दस लाख का अमाउंट लेकर यहाँ से कर करके जा सकते उन्होंने एक ऐसा फोड़ा है जो आई डोंट थिंक विला की हिस्ट्री में कभी भी हुआ है कशिश के पास पूरा का पूरा राइट है कि वो ये डिसीजन खुद ले ले तो फिर तुम ना चैलेंज परफॉर्म कर पाओगे अरे। ना फिनाले में जा पाओगे और ना पैसे तो तुम भूल ही जाओ और कशिश विल वॉक आउट विथ टेन लाख रुपीज मेरे ऊपर मिशिव मेकर का बॉम्ब पड़ता है तो मेरा तो दिमाग घूम जाता है कि भाई ये किस टाइप का चॉइस है आई लाइक दी ऑफर आई लव दी ऑफर पर मेरा कंसर्न ये है कि अगर मैंने तीसरा ऑप्शन लिया व्हाट इफ दूसरे कपल ने भी सेम ऑप्शन लिया और मुझे लगता है तुम इतनी स्मार्ट तो हो कि बाकी कपल्स को पटा लोगी कि ये ऑफर ना ले अगर जरूरत पड़ी कल <laughs> ओह गॉड ओह गॉड ओके पर क्या लगता है कशिश एक्सेप्ट करेगी ऑफर एक बहुत टफ स्पॉट है बहुत टफ स्पॉट है और मैं उतना मतलब जानता हूं कशिश को बट उतना भी नहीं जानता कि वो ये ऑफर लेगी या नहीं लेगी कि जज कर पाऊं कि वो यार क्या 10 लाख रुपए हां मतलब 10 लाख के लिए लोग घूम सकते हैं क्या चल रहा है दिमाग में मेरा माइंडसेट काफी क्लियर है क्या जब मैं शो से पहले भी आया था तो मैं ये के तो आया नहीं था कि भाई मुझे पैसे चाहिए या तो मुझे प्यार चाहिए था और फिर मुझे ट्रॉफी चाहिए थी लेकिन प्यार तुम्हें मिल चुका है मिल चुका मिल है है तो मिल ना आई वो, वो फील पैसों से मैच नहीं हो सकती हाँ दस लाख डेफिनेटली बहुत बड़ी अमाउंट है एंड उससे बहुत चीजें हो सकती है मैं उनके साथ बार घूम फिर सकता हूँ यू नो वो भी है मेरे माइंड में बट इनफैक्ट समझदारी वाला काम नहीं करोगे तो टाइटल तो जाएगा ही जाएगा पैसा भी, भी जाएगा, जाएगा। और उन्नति हॉलिडे <laughs> सोच लो तो ये दस मिनट की डेट ने मेरी सारी जिंदगी ऊपर से नीचे तक घुमा दिया मुझे उस टाइम नहीं समझ आ रहा था कि भाई अब आगे क्या होगा क्या नहीं डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें ये शो जीतना है या तुम्हें ये शो जीना और अच्छा तो तुमें तुमें है शो शो जीना? और जीने में मजा है। मुझे आपका डायलॉग अच्छा लगा मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा होता कि भाई आखिरकार क्या होगा क्या करना है एंड कशिश क्या सोच रही होगी कशिश के दिमाग में क्या चल रहा होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी यहाँ पे जैसे हम वापस बिल्ला पहुंचे कैश प्राइस

आएंगी बड़ी बड़ी बातें ऐसा है तो लंबी 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 बातें Cause you saying all this, मैं जाके कुछ तो कर लूँगा। बहुत सारी शॉपिंग होगी। पैसा, ये पैसा, पैसा, ये पैसा, पैसा, ये पैसा, पैसा। बीच बीच में आकर मुझे डरा रही है। She like पैसा, 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 पैसा। And I'm like, हैं? आपको पता है ना कि मैं आपको कितना पसंद करती हूँ पता है प्लीज कोई एक ऐसा स्टेप मत लेना कि आपने थर्ड ऑप्शन चूज कर लिया और मैं ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाऊंगी हेलो एक्सक्यूज मी बोलो आप वही मैं कह रही हूं सुनो जो अभी आज शाम को हुआ कि मेरे को टाइम चाहिए ऑफ़ कोर्स मुझे आप पसंद हो ये नहीं कि मैं बहुत मीन हूं और मैं थर्ड वाला ऑप्शन चूज करके ले जाऊंगी चीजें डोंट वरी मेरे साइड से सब कुछ भी नहीं होगा hey. ऐसे ऐसे मत देखो मुझे सच बताओ आई एम 100% श्योर sure कि किसका क्या आंसर होगा तुझे लगता है किसी का ऑफ कोर्स क्वेश्चन और मैंने उनसे पूछा कि, नहीं आई यू कशियर सुबह उठे और उसका दिमाग बदले और बोले कि एक काम करते हैं यार I don't want to play. मुझे दस लाख मिल रहे हैं मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा सो दस लाख पूरे उसके जेब में वो लड़की बाहर कनेक्शन आउट लड़का गया डंपिंग में सीधा ना लड़के के पास पैसा ना पावर और <laughs> लड़की लेके चली रही यार। जिसके साथ भी गलत हो उसके लिए क्या क्या दिमाग में चल रहा है कुछ सोचा है कुछ मन में आया है यू नो माई फर्स्ट थॉट इज द ऑफर इज वेरी लुक्रेटिव विदाउट डाउट बहुत ही इंटरेस्ट in, जगह देने वाला ऑफर है But, इतना शो कर लेने के बाद वेन यू आर अ फाइनलिस्ट इतना मरने मराने के बाद इतनी मेहनत मशक्क़त शिद्दत से हर बार ये बोल के कि मुझे जीतना है मुझे जीतना है मुझे जीतना है एंड वन यू आर वन स्टेप क्लोज टू जीतना तुम्हारा ईमान डोल गया फॉर समथिंग लाइक दिस एंड ये चार दीवारी की बात नहीं है इट्स गोइंग टू बी ऑन नेशनल टी वी entire country कंट्री इज़ वॉचिंग जहाँ तुमने चीख चीख के बोला है कि मुझे जीतना है मुझे जीतना है एम here टू विन एम हेर टू वेन एम ह्योर टू एंड देन एक रात पहले यू आर लाइक नोप इजी वे आउट मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता हूँ कि भाई इस बंदी को भी टाइटल चाहिए तो कल हम कम्पीट करने वाले हैं फिनाले में और मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है व्हाट अमेजिंग व्हाई लाइक जो तूने अभी बताया मैं वो बहुत खुश हो गया हूँ सुन के क्योंकि मेरे दिमाग में पैसे नहीं आए मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया मैं पता हंड्रेड परसेंट श्योर थी कि कोई और सोच ले एक सेकेंड के लिए दिग्विजय नहीं सोच सोचेगा <laughs> मैं एक सौ परसेंट श्योर थी एंड आई गिव यू द रीजनिंग बिकॉज मेरे दिमाग में भी वही ख्याल आया था कि ठीक है दस लाख इज बिग अमाउंट बिग विदाउट डाउट बट अगर आपके विनर हो स्पिट्स वाला के विनर हो तो आप वो अमाउंट कमा सकते हो कमा सकते हो एंड जो दिग्विजय सिंग राठी एंड कशिश कपूर वो तो लाइफ टाइम स्टे करेगा दस लाख रुपए खत्म हो जाएगा exactly. मैं तुझे जानता हूँ जाना हूँ पिछले कुछ दिनों में बट इतना नहीं जानता हूँ कि भाई कशिश बहुत श्योर होगी जीतने के क्यों तो इंजॉय करने आई थी फिर तुझे मेरे को मतलब देख ऑनेस्टली मेरे को डाउट था कशिश में भी क्या पता उसका मन होगी भाई ठीक है ऐसे लेकर निकलते हैं क्योंकि इंजॉय करने आई है हाँ मेरे लिए परफॉर्म कर रही है जीत रही है वो सब चीज़ें एक्साइट जब मैं और कशिश बात कर रहे होते हैं सबके बारे में तो उन्नति बाहर से आती है बड़े गुस्से में एंड वो पूछती है भी क्या चल रहा है तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आता कि भाई उसे क्या बताऊं क्या नहीं क्योंकि वो तो मुंह मुँह के बैठी हुई थी कि भाई ये तो गया है कशिश के साथ डेट पे तो मैं उसे जल्दी से सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ बट ऑफर इज अमेजिंग

फिर हमने सोचा कि ठीक है चलो बाकी कपल से पूछते हैं वो क्या सोचते हैं तुम्हारा क्या चल रहा है वैसे मेरा काफी है कि मुस्लिम एंड नहीं लूंगा वैसे तू नए लोग वैसे नहीं बोलो ना बोलो द स्माइल फॉर ऐसा क्यों <laughs> अच्छी बात है यार पता नहीं मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि अपने धोखा देते हैं यार

वो प्यार प्यार तो के के लिए लिए आया था मिल मिल गया पैसे गए हनीमून लोकेशन मिल गई <laughs> नहीं उस टाइम और जसवंत क्लियरली चीजें हमें नहीं बताते हैं कि भाई क्या उनके माइंड में चल रहा है क्या नहीं भाई तो मेरे हिसाब से अगर साथ, नहीं? साथ, नहीं? साथ नहीं? में लेके निकल रहा है तो भी ठीक है भाई अकेला निकल रहा है तो बहुत ही अपना भाई सबका चल इस पे ज्यादा डिस्कस करके हम कोई कंक्लूजन पे आने वाले हैं हाँ, वो कल पता लगेगा जशवंत अभी अगर सोच भी रहा होगा तो बताएगा नहीं सोच रहा होगा ये तो भाई, तो भाई शुरू से गेम खेलता है अभी खेल रहा होगा पता कुछ पता नहीं है इसका चलो हैव योर ब्यूटी स्लीप विल सी बाकी पॉइंट तो है इसकी बात में गुड नाइट तो जैसे ही हम सब सुबह उठते हैं तो ये हमारी फिनाले मॉर्निंग रहती है मैं पूरी रात ये सोच रही थी कि कौन क्या करेगा कौन ये पैसे लेकर जा सकता है और कौन टाइटल के लिए खेलेगा It was all very, very confusing. We are very excited because today was the finale of Splitsvilla X5, and we were the finalists. See you at finale. The finalists. जैसे ही हम फिनाले लोकेशन में पहुंचते हैं, हम जो तीन कपल अलग ही में चलते हुए आ रहे थे, मतलब तो अलग ही था भाई। हम इतने सारे स्प्लिट्स विलेंस को हरा कर, आज ग्रैंड फिनाले पर खड़े हैं तो भाई कुछ तो बात होगी हमने Boys and girls, <laughs> and this is your grand finale. तो आप सबको कैसा लग रहा है यार? Exhilarating. और आप सब अपने पुराने साथियों के साथ reunite हुए हैं. How does next, that feel यार? It's reunion सा लग रहा है ना? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. अच्छा लग रहा है? Sweet surprise. ये लोग sweet surprise नहीं था.

That's very exciting for yeah. whoever wins because it's just adds that extra layer of. And fighting you guys have spirit. really worked hard for it, you yeah. know. And we both also are very curious, you know, because here we have an ideal match, a love match, and a an power match. You all have different journeys. You mm. have different hai. And with that, what will you do? It's huge. You have to think about yourself or your family or how you want to win. If you wanna win knowing that you won splits Villa and you're standing there at the top saying, I won this show. Or you have to think about your yeah. journey, life journey, personal experiences like you have to make a choice. Yes. It's a big choice. Big, guys. big, big choice. And I'm sure कि आप सबके पास काफी टाइम रहा होगा यू मस्ट स्लेप्ट ओवर इट क्या करना है क्या नहीं okay, हाथ में है आपको ये शो जीतना है या ये शो जीना है What's gonna be? Let's get the cue cards, please. हम लोग की सा से अटक चुकी थी क्योंकि अब पारी आ गई थी डिसीजन लेने की आप सबके पास दो ऑप्शन है या तो आप अपने क्यू कार्ड पे लिखोगे फिनाले या आप लिखोगे मनी फाइनली वो टाइम आ चुका था जब हम फाइनलिस्ट को डिसीजन लेना था कि भाई हम मनी चूज करेंगे या फिनाले बनाने बनाने आया पैसा। को बनाने आया पैसा पैसा दुनिया को रंगी एक सेकेंड के लिए मुझे लगा कि शायद हर्ष उसमें मनी लिखने वाला है बिकॉज पता नहीं तो वे ही वॉज एक्टिंग पैसा है तो लंबी 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 रातें पैसा है तो फाइव स्टार सारी मुलाकात मेरी फर्क ये थी मैंने हर्ष की तरफ देखा एंड ही वाज रिएक्टिंग इन अ डिफरेंट वे मोमेंट ऑफ ट्रूथ दिस इज गोइंग टू डिटरमिन कि आज के चैलेंज में द ग्रैंड फिनाले में कौन-कौन परफॉर्म -कौन करेगा और कौन नहीं हर्ष लेट्स स्टार्ट विद यू ओके फिनाले हर्ष वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द फिनाले मैं धोखे में विश्वास नहीं रखता और दूसरी चीज प्यार से बढ़ मेरे लिए पैसा नहीं है लोगों के लिए पैसा बहुत कुछ होगा लेकिन सब कुछ नहीं सो so, मेरे लिए रुशाली और रुशाली का प्यार सब कुछ है सो so, मैंने उनको बोला कि मेरे को नहीं चाहिए ये ऑफर आपके टपली से पता चल जाता है कि आपका जवाब क्या है बट फिर भी फिनाले ओके आई थिंक ये चॉइसेस जो दी थी आई वाज वेरी क्लियर उस जर्नी ने मुझे हर्ष से मिलाया एंड आई थिंक कोई भी चीज उस चीज को हिला नहीं सकती चाहे वो दस लाख हो चाहे वो बीस लाख हो चाहे वो पच्चीस लाख हो Why have you guys both arrived at the same decision? कहानी स्टार्ट की साथ में तो खत्म भी साथ में करेंगे और ये टाइटल चाहिए सब इसके लिए लड़ना एंड आई लव हर आई लव इट Okay, let's come to the next set of queries. My man, Jashwant, what is it going to be? What have you chosen? Okay, Jashwant also wants to participate in the grand finale. Kya baat hai? Like, I agree this is a big amount. this title means so much more to me. Mujhe With Josh. Woo! Okay. You too. so far, love wins the day। ऐसे तो मैं बाहर मुझे और टाइटल में भाई नाम तो आना चाहिए सर पहले दिन से हम बहुत कोशिश कर रहे थे टू प्ले द गेम प्ले द जर्नी हमने बहुत कुछ डिस

प्यार तो मिल गया बट अब इसी के साथ फिनाले भी खेलना है और जीतना है तो मेरा माइंड एकदम क्लियर था मे बी शायद बहुत लोगों को 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 लग रहा था कि आकृति चूज करेगी क्योंकि अपने फ्रेंड को कर सकती सकती है है या फिर उसके कनेक्शन निकाल सकती है, तो इसके लिए खुद के कनेक्शन को भी यू नो डिच कर देगी मैंने हर टाइम पे इनको प्रूव किया कि तुम लोग गलत हो मैं सही हूँ मैं अपने लिए खेलने आई थी अपने पार्टनर के साथ खेलने आई थी इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तुम वहां पर हो डेफिनेटली एज अ कॉन्फर्मेशन हैव टू कपल्स मिनिमम जो आज के ग्रैंड फिनाले में पार्टिसिपेट करेंगे यस नाउ ऑन टू आवर पावर टू द पावर मैच लेटेस्ट मैच ऑफ स्प्लिट्स विल टेक पहले आपसे स्टार्ट करते हैं व्हाट्स इट टू बी भाई सो इट्स फिनाले ओके ओके पहला जो मेरा सपना था रोडीज जीतने का वो पूरा नहीं हो पाया था बट अब मैं फिनाले के इतने करीब आके कोई बेवकूफ़ी नहीं कर सकता हूं मुझे स्प्लिट फाइव का टाइटल चाहिए एंड सिर्फ मुझे एक ही चीज दिख रही थी वाईग वाईग का टाइटल सर शो में आने से पहले मैंने नहीं सोचा था कि कोई पैसे वाली चीज़ आएगी या कुछ आएगा मैंने सिर्फ टाइटल पे ध्यान दिया था और कोई कनेक्शन मिले उस पर ध्यान दिया था घर वाले वेट कर रहे हैं तो वो वेट कर रहे हैं उस कॉल का कि दिग्विजय कॉल करके कर बोलेगा कि दिग्विजय स्प्लिट्स सिला फिफ्टीन जीत गया ना कि दिग्विजय पैसे लेके निकल गया अभी अगर मैं मनी चूज करता हूं तो हाँ कुछ महीने में बड़ी आश कर लूंगा मजे कर लूंगा बट पांच साल बाद वाला दिग्विजय अगर वो चीज देखेगा यार उस दिन मनी चूज कर लिया था और टाइटल छोड़ दिया था तो शायद वो चीज मुझे पूरी लाइफ में डाइजेस्ट ही नहीं कर पाऊंगा मैं वेल वेल डन डन आई लाइक दैट आई डू बिलीव दिग्विजय दैट यू विद एवरी फाइबर इन योर बॉडी वांट टू विन दिस शो नाउ वी कम टू द लास्ट पर्सन Who also will decide whether Digvijay plays or no? Kashish, what's it going to be? have Money ya finale? Money. Oh. I fucking knew it. यार कैसे जा रही हूँ मैड ये क्या हो गया नॉन के दिमाग ने भाई फैशन तुम पागल हो गई है क्या तुमने ये क्या किया मेरे पैरों के नीचे से जमीन बिल्कुल खिसक जाती है मुझे उस टाइम नहीं पता होता कि मैं कहां पे खड़ा हूं मैं किस जोन में

तो मेरे पास हर कदम पे एक चॉइस थी या मैं किसी और को खुश कर लू या मैं वो करूं जो मेरे लिए सही होगा जो मेरे लिए लॉन्ग रन में सही होगा एंड जहां तक बात रही परफॉर्म करने की ऑफकोर्स मैंने परफॉर्म किया मैंने अपने आप को हर कदम पे प्रूव किया है ठीक. मेरी क्या मेरिट है क्या वर्थ है मैं किसके लिए स्टैंड करती हूं हर चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं खुद के लिए स्टैंड करती करतीयर टू प्ले फॉर माई सेल्फ एंड आई डोंट ओ एनी एनी थिंग मैं किसी का यहाँ पे जो मैं हूं मैं किसी से प्यार में नहीं हूं कोई मुझसे प्यार नहीं करता किसी ने मुझे पिक नहीं किया मैं अगर यहां हूं तो एक बहुत ही टफ डिसीजन के कारण जो मैंने लिया था जिस रात मैंने वो डिसीजन लिया मैं सौ लोगों के लिए विलन बन गई थी पर मैंने लिया आई स्टूड फॉर माई सेल्फ अगर मैं यहां आज खड़ी हूं तो किसी ने मेरे हाथ में ये जीत हिला करके दी नहीं है। बिल्कुल नहीं आई परफॉर्म तो मैं जीती So if I have a choice, I think, given all the reasons, I have no reason to back out and I did what I did. I'm going to use this money. a year, I'm tension free. I have a shelter on my head. I can give my parents the vacation they deserve. I can give my brother the education he deserves and I have no guilt. I did. मुझे पैसे की वो अहमियत पता है मैं उस लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ जहां हजार रुपए की बहुत अहमियत है दस लाख रुपए बहुत ज्यादा है एंड माना उसका वो शौक था उसका वो सपना था पर मेरी वो जरूरत थी अगर लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उसके शौक का सोचू उसके सपने का सोचू तो मेरे भी जरूरत की सोचू कहीं ना कहीं मैं उस टाइम अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका था मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ आखिरकार हुआ क्या है क्योंकि जो मैंने सपना देखा था इतने टाइम से वो मेरी आंखों के आगे से दूर चला गया था देख विजय, It's that I knew this message, I got that And I really, really did not want this for you. Like, I know you are deeply hurt. I am equally just as hurt you. I'm very, very sorry. मैं तो देखता हूँ कि सनी मैम की आंखों में भी आंसू होते हैं ये सब देख के कि जो मेरा इतना बड़ा सपना था वो इस तरीके से खत्म हो रहा था अगर मैं परफॉर्म करता और हारता तो एक अलग बात होती बट ये जो आज चीज हुई है पता नहीं मैं कब इस चीज को डाइजेस्ट कर पाऊंगा अपनी लाइफ में ओए 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 तुझे पता है अंदस अंदस फीलिंग सो सॉरी तुझे पता तो तो खेले जीत भाई बहुत तगड़ा तगड़ा खेला गारे भी गारे भी तकड़ा खेला है। है। रियल विनर। अगर परफॉर्म करता फिनाले और फिर वो हार जाता, तो शायद मैं खुश होता पर किसी और की वजह से तुम्हारा टाइटल छीनना इससे ज्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता तू हीरो

तुझे पता जितने ज्यादा रिस्पेक्ट डन करते हैं वो याद रहते हैं चल मार चल बैक स्ट्रीट उड़ीसा वहां से ही फटा था बैक स्ट्रीट तूने वही करा जो तूने वहां करा था और लोग तेरे को तभी पसंद करते हैं भाई बैक स्ट्रीट गो ऑन चल चल ना एथलीट है भाई कोई बात नहीं मुझे नहीं पता ये जो मेरा दिल दुखाये ये कभी सही में भर पाएगा या नहीं क्योंकि शुरू से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि मुझे ये शो जीतना है जीतना है जीतना है चाहे जो मर्जी हो जाए एंड एक इंसान के अपने लालच की वजह से मैं ये चांस गवा चुका हूँ स्प्लिट सलाह जीतने का Gushish, योर reasons फॉर योरसेल्फ आर valid. What you need to do for yourself is valid. But Digvijay, I am so hurt That you don't get to compete today. Because you earned it. Cause you fucking earned it. And I feel so bad for you. I can't even explain. I am so hurt for you. Because I do believe you have it in you to win this show. Personal reasons. Now you can't even fucking compete. For me, you're a winner. For me, you won. What just happened? For me, you won. I'm so sorry this is happening with you right now. Thank you, ma'am. Means a lot. Sunny, ma'am, I think a lot of people were feeling it. Who connect kar emotions se. I cannot say anything. I was totally numb. Ma'am, I honestly somewhere new.

आई नो हाउ डज इट फील जब फिनाले पे खड़े होते हो और आप छोड़ो यू नो दूसिंग दिग्विजय की एक आगे बात आगे। बताना चाहूँगा मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए चाहे हमारी कितनी भी लड़ाई हो सर शो में जी और मुझे पता है उसकी भूख काफ़ी थी इस शो को लेकर जैसा कि सनी मैम ने कहा मैं जानता हूँ क्योंकि हमारी हर बात ही होती थी कि साला अब किसी भी शो में जाएंगे ना साला जीत के आएंगे और आज वो जो फील कर रहा है मैं उसको समझ पा रहा हूँ क्योंकि सेम मैंने भी यही बात बोली थी जैसा इसने बोला कि वो घर जाके अपनी माँ को ये नहीं कहना चाहता कि मैं पैसे लेके निकला था मैं जीतने आया था तो लोंडे सोन तूने बाहर बोतता के दिल जीत लिए ये मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ

जो आप इतने टाइम से चाह रहे हो सर एक्चुअली ना जब uh, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा फील कर पा रहा हूँ बिकॉज इतना खुश था ना जब यहाँ आ रहा था कि मेरा भाई खड़ा है वहां पे और आज जीत के जाएगा मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ फीलिंग्स की उसने मुझे क्या क्या, -क्या चीजें बोल रखी है और आई कैन फील इट क्यों कहता है सब कह हैं फोन मिलेगा हम तो ये करेंगे वो करेंगे वो कहता फोन मिलेगा तब ये चीज बोलूंगा मम्मी मैं फिनाले जीत गया तो वो चीज जो है ना मैं फील कर पा रहा हूँ मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि

कुछ गलत नहीं छाती नहीं 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 गलती नहीं भाई। चल। और हमारे लिए, हमारे लिए है और खत्म हो जाता है एंड अब मैं उस चीज को लेकर कुछ खुद कर ही नहीं सकता क्योंकि जितना मैं कर सकता था मैंने किया एंड फिर भी मुझे आज फिनाले में परफॉर्म करने नहीं दिया जाएगा जैसे कि आप सब देख रहे हो रिशिफ मेकर ने हम सबको काफी इमोशनल बनाया है एंड राइटली सो आप सब भी काफी अफेक्टेड है सनी और मैं भी वी हैव टू मूव ऑन एंड कशिश लेट्स सेलिब्रेट योर मोमेंट बिकॉज यू हैव वर्क योर एस ऑफ तो आप डिजर्विंग हो प्लीज कम हियर एंड कलेक्ट

फिनाली खेल कर टाइटल पाना वॉज नॉट सर्टन मनी की मुझे so दोनों जो लव कनेक्शन थे उन्होंने फिनाली चूज करा क्योंकि वो प्यार करते थे यार वो आए फिनाली के लिए थे बट जो एक पावर कनेक्शन था उसमें मुझे कहीं कही ना कहीं था कि होने ही वाला है तो मुझे बहुत ही बुरा लगा एंड आई सॉ हिम क्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई फेल्ट कि शिट यार शिट मतलब ये नहीं होना चाहिए था एंड आई थिंक मेरे लिए वही हीरो है डे वन से मेरा वैसे भी वही हीरो था और अब तो सबके लिए हीरो वो बन चुका है Last four of you standing at split fill तो 15. Are you all ready for the Yes, तो अब फिनाले में है एक शेर और दूसरी साइड है रिंग मास्टर तो अब हमारा सर्कस शुरू होने वाला है एन दर्शकों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है हाई गाइस लव मैच मैच आप चारों को पता है कि विनिंग अमाउंट में से दस लाख चला गया है फाइव लैक्स आप चाह ग्लोरी के लिए कंपीट Yes, यू आर so yes. Yes, sir. Okay. That's what I like to hear. Let's get to the challenge. आज का ग्रैंड फिनाले चैलेंज ऐसा है बिल्कुल एक रिलेशनशिप की तरह कि फर्स्ट में आपको एक जिपलाइन से नीचे आना है मजे लुटोगे इंजॉय करोगे हाथ पकड़ोगे सो एज यूर गोइंग डाउन दिप लाइन यू हैव टू कलेक्ट एज मेनी हार्ट एज पॉसिबल फिर रिलेशनशिप का सेकेंड फेज उतार चढ़ाव आप पिरामिड के पास आओगे और वहां आपके बैलेंस को टेस्ट किया जाएगा इन द नेक्स्ट लेयर यू विल रीच अ टावरिंग वॉल किसी भी रिलेशनशिप में जब एक बंदा एक बंदी परेशान होता है तो दूसरा उसे हेल्प करता है सो यू हैव टू पुल द रस्सी Create enough space so that your squeeze can go underneath. And we come to the final layer in which. You have cut the axe. As soon as you cut that rope, that matka will fall. And when it falls, fire <sighs> will come. यहां प्यार की आग भड़की और उधर टाइमर स्टॉप तो देखते हैं आप चारों की प्यार की आग रेडी यस सर आई डोंट फील इट आर यू रेडी यस सर दैट्स व्हाट आई लाइक टू हियर कम ऑन तो मैंने रुशाली को देखा और मैंने रुशाली को कहा कि परफॉर्म करते हैं विल गिव आर टू हंड्रेड परसेंट विल शो कि हमारी केमिस्ट्री क्या है आई एम पम्प्ड आई हैव नेवर फेल्ट

आज जब मैं फिनाले में खड़ी हूँ जश का हाथ पकड़ के तो मुझे एकदम से फ्लैशबैक आते हैं कि एक क्यूट सा बंदा मुझे मिलता है फर्स्ट डे पे मैंने इसको अपना रेड बैंड दिया एंड कहीं ना कहीं जश को भी मैं पसंद आ गई थी I care for you. I I really do like from the bottom of my heart. It's you're different. You're अलग है। यही सारी चीजें धीरे-धीरे continue होने लगी और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे उससे प्यार कब हो गया. आई लव यू आई लव यू टू इस जर्नी में मैंने जितने इमोशंस देखे होंगे शायद ही किसी ने देखे होंगे प्लीज से बात कर यहीं पे तू की समझ आ रही है बात पूरे विला ने टारगेट किया कॉर्नर किया जस्ट पूछ ले परमिशन लेके बोलियो यार बुरा ना मान जाए <laughs> मेरे मत्थे मत चढ़ ठीक है ऊपर से नीचे के रख दूंगी ठीक है मैं एंड डे तक सिर्फ और सिर्फ फाइट करके ही पहुंची हूं और अपने दम पर पहुंची हूं तू है

I love you, and nothing can stop us now. Nothing. All the best Let's go, guys. Let's get it. It's two a guy, guys. Tang, to take. We get a burn, we get a bruise. can Rok Sakta. We're gonna win it no matter what. This is the championship, the grand finale of splits of 15, and we're gonna start in three. Two!

मैंने एक के बाद एक 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 सारे हार्ट कलेक्ट कर लिए थे अब आती है है। बारी हमारे की। आप दोनों करेंगे का का कैसा सबसे ये था क्योंकि आपका बैलेंस भी इन्वॉल्व है आपका कोर भी इन्वॉल्व है और आपको अपने पार्टनर के साथ करना है प्लस आपको चढ़ाई चढ़नी है और बात क्या थी कि वो एक दूसरे को टच नहीं कर सकते थे उन्हें बैलेंस करना था बिना एक दूसरे को हाथ लगाए रेडी चल वन Two, one, आप two. एक दूसरे को हाथ नहीं लगा सकते वो तो मटका बहुत ही ज्यादा छोटा था एंड हम दोनों की हाइट ऊपर नीचे थी तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए डिफिकल्ट होने वाला था आराम इसको से, आराम से। आराम से, आराम से, और चल, 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 चल। मत देना बस मटका हम दोनों के बीच में इतना ज्यादा हिल रहा था मुझे लग रहा था कि मटका शायद अब गिरेगा या फिर तब गिरेगा उनका लव कनेक्शन एक्चुअली में दिख रहा था वो पिरामिड पे इतने ज्यादा स्मूथ चल रहे थे ना एंड भाई चल चल, चल, चल. One, आगे आओ थोड़ा पुश करो आगे में इंपॉर्टेंट ओकेश okay. थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा था और डिसबैलेंस की वजह से वो मटका नीचे गिरने लगा आराम से करो थोड़ा अब हम चाह रहे हैं कि ये मटका गिरे ना क्योंकि अगर मटका गिरेगा तो हमें फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा चल, चल, चल। ऐसे कर कर कर। मेरी तरफ। रहा हूं. Push कर. <laughs> मैंने जितना हो सका ये मटका जश की तरफ पुश किया और जश को बोला कि अपने आप को मेरी तरफ पुश करो सो दैट मटका नीचे ना गिरे मेरे से जो हो पा रहा था मैं वहां पर रहने के लिए भी रेडी थी बट वो मटका मैं गिरने नहीं देती फुष, फुष। क्या आ, बात है, आकृति यार। नहीं नहीं। आकृति ने घुटनों पे बैठ के क्या वो, वो परफॉर्म कर रही है लग रहा था कि फिनाले वाली परफॉर्मेंस है ओके सीसो रिलेशनशिप सीसो की तरह होता है ऊपर रखो थोड़ा उपर, हाँ। चलो गमला गमला सीधा 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 थर्ड स्टेज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है इस बार वाला मटका है वो और भी बड़ा है पतली सी लाइन है बट उसके लिए हाथ यूज कर सकते हैं <सण> चल 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 टाइम मत लगाओ ज्यादा चल चल बार बार कर, अंदर 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 कर पैर आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन बट आई टू आकृति की यू पुश इन फ्रंट Accordingly, मैं भी पीछे जाता हूँ Easy, be careful. You don't want to break the gamla. Push, push. Push. चल चल चल। हाँ, आप दोनों के बैलेंस का ट्रू टेस्ट है ये। तो शीस पुशिंग 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 और हम मिड पॉइंट पे पहुंचे नायक इंटर चीज़ है। स्लोली चाहिए और स्लोली। अंदर आ। अंदर 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 ही हो। चल। सॉरी यूसी सॉफ्ट ओके। जी। एक्सेलेंट टू गुड यार।

अब मैं खींच रहा हूँ और ये भाई ये थोड़ा भारी है आई एम नॉट यूजिंग एनी सपोर्ट खींच तो मैंने थोड़ा और खींचा दाल दाल दाल। बहुत बढ़िया। जब जशवंत उस रोप को खींच के पीछे पड़ा हुआ था क्या ग्लैडिएटर पोज था वो हमें तो देख करके मजा आ गया चलो चलो। और मैंने सेकंड्स नहीं लगाया कि मैं दूसरा ब्लॉग भी लाती हूँ मैंने अपनी एडी चोटी का सारा जोर लगा दिया इस चैलेंज को परफॉर्म करने के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी इस चैलेंज को हारने के लिए छोड़ छोड़ छोड़। जश को पीछे से इशारा करती हूँ कि जश हो गया है अब हमें एक्स लेने जाना है लास्ट स्टेज

वो वो गिरा, तो फायर जशवंत ने पे बहुत जल्दी किया और प्यार की आग जैसी भड़की ना तो मजा ही आ गया देख के यार इसको बोलते हैं चैलेंज आकृति और जशवंत के बीच का को कोऑर्डिनेशन इतना अमेजिंग था उन्होंने पूरा का पूरा चैलेंज इतना स्मूथली निपटा लिया अब बारी थी हर्ष और वोशाली

Emotional journey for both of us. I yeah. I don't with with you. I don't wanna fight with you. fight I'm I'm just, I feel that I'm stuck in this इमोशनल जर्नी फॉर बोथ्लीट यूटी कुछ भी नहीं किया और आज हम साथ में खड़े हैं वो मैटर करता है तो आई थिंक ऑलरेडी वन कुछ भी हो तेरा शेर खड़ा है तेरे साथ निकल जाऊंगा बट तुझे रोने, रोता हुआ नहीं देख सकता है प्यार किया और इसी से करता हूँ चाहत धोखा लोगों के एलिगेशन इनसे लड़ने के बाद जब आप फिनाले में जाते हो तो आपको पता चलता है कि आप एज अ कपल कितने स्ट्रॉन्ग बने हो सो आई वॉज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड मैंने रुशाली को देखा और मैंने कहा वेलकेट आई प्रोमिस आप दोनों तैयार हो यारेवंत yeah. ने हमसे पहले किया और हमने उनका परफॉर्मेंस देखा पता नहीं कितनी जल्दी किया होगा और कैसे किया होगा सो so, हमारे दिमाग में था कि हमें जल्दी करना है और जितना भी है अपना हंड्रेड परसेंट देना है सबने आपको बहुत छेड़ा है यू नो द शो दिस इज वाई यू प्रूव हु बारी आई हाँ रिंग मास्टर के शेर की और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं पे हार्श आज फाइनली फुल फॉर्म में या शेर जैसा परफॉर्म करेगा रुशाली को मैंने पीछे से पकड़ा और जिप लाइन कर नीचे आ रहे हैं बहुत ही रोमांटिक था वो

And this might just help us win. Please make more relax like तो <laughs> Relax. कुछ seconds हमने गवाह दिए थे और हमने दोबारा अच्छे से शुरू किया और बैलेंस किया <laughs> <नहीं>। <laughs> हमने वहाँ पांच सात सेकंड का किया, but we were fast और हमने उधर कवर कर लिया लड़के चिपक के रहे। आल, आराम से। उतर डोंट टच मी हम लोग टचिंग गाइस हो गया हो गया। हर्षाली का परफॉर्मेंस अच्छा था कोर्स उनका भी लव कनेक्शन डे वन से है

जैसे वो हैंडल कर रहा था उस सिचुएशन को इट वाज सो इजी एंड सो रोमांटिक नीचे और रुशाली मेरे पास दाँग. ऐसी फीलिंग रोमांटिकाली कस्म बता रहा फिनाले जीत गया मैं उसी टाइम भाई अब तो वही पे किस कर दो तो तुम दोनों एक दूसरे को क्या प्यारे लग रहे थे यार उस केमिस्ट्री के साथ ओके कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो नेक्स्ट चाली भाग भाग दोनों को लेके जा मैंने एक ही टाइम पे दोनों ब्लॉक्स उठा लिए ताकि मैं वहां पर कुछ सेकंड्स बचा सकूं दरवाजा खोलो दरवाजा खोलेंगे आज कीच हीच आज पीच पीच करा दूसरे की तरफ दे अब लग जाएगा वो चल जा गो इनसाइड और एक्स लेकर आओ कम ऑन उशाली टाइमिंग्स की बात थी तो यार जयश और आकृति ने गेट में बहुत ज्यादा टाइम लिया था और अगर हर्ष और उशाली ने पिरामिड में थोड़ा सा टाइम लिया बट उन्होंने गेट में बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया था तो ये बहुत ही ज्यादा नेक टू नेक सिचुएशन होने वाली थी

हर्ष ने अपनी पूरी जान लगाई और उसको दो बार में उस रस्सी को काट डाला एंड फाइनली हमारा टाइम स्टॉप <laughs> हमने अपना हंड्रेड परसेंट दिया जितना हम दे सकते थे मुझे नहीं पता जीता हूँ कि नहीं जीता हूँ लेकिन तू मुझे जीत गई मैं तुझे जीत गया राउंड गुडराउंड गुडराउंड ये बहुत ज्यादा क्लोज होने वाला था आई जस्ट होप कि हर्ष और वर्षाली जीत जाए

How important is it for you to win the grand finale today? It is very, very important for both of us because we have ups and downs in our journey. And we have gone through a lot. So I think this is the time. It's for us. And I think it's very important. Okay, Parate. what do you think? So I think it means the world because mm. so from the beginning the Yes. Some, at one point, it was the world against us. Absolutely. And we were there for each other. Yes. I really feel for her.

time difference bhauti Yes. and that time difference was just five seconds five seconds oh my god i don't even know this is nail-biting this is nerve-racking this point i'm feeling the heat and my heart is just beating super fast super loud i can feel it मेरा ना कलेजा आ गया था मैंने कहा यार क्या है बता दो कौन जीता आर है मेरी दिल की धड़कन ऐसे तेज हो गई थी आई वॉज जस्ट होपिंग आई वॉज जस्ट प्रेंग कि प्लीज प्लीज इसमें मेरा और हर्ष का नाम हो वॉसिंग गर्ल्स फिंगर क्रॉस मैं बस आंख बंद कर ली थी मैंने जश का हाथ पकड़ लिया था अब जो भी होगा बस देखा जाएगा We did it baby we did it Yes Yes Let's go Oh my goodness We are just split 15K winners Oh my goodness Just one ten. कभी कभी छोटी छोटी गलती आपके ऊपर बहुत भारी पड़ जाती है जैसे ये पांच सेकंड मेरी लाइफ के वो पांच सेकंड है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा आकृति आपको मिलता है एक्सक्लूसिव गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम न्यू मी mm. Congratulations. Woo! Victory deserved, yeah. Well done. You also get Five lakh prize money. Woo! Yes. Oh, that's five lakh. I think it's gonna go a long way when you guys are gonna go back and forth <laughs> to go see each other. Yep. Thank you so much for that. Yes. <laughs> <laughs> pehle, I also want to congratulate Roshali and Harsh. They have been the OG ideal match from the very start of Splitvilla 15. And I want just a round of applause because they've been fantastic. Woo! All said and done. Okay. No losers here. All winners. And it's a testament to show that on Splitvilla, Villa, Love conquers all. All, mm -hmm. yes. You guys want to say something? <laughs> Now's your chance. I'm happy for them. I'm happy that uh, मैं आप सबसे मिली मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं and सबसे important मुझे हर्ष मिला है so I'm really grateful. Harsh, I know आप emotional हैं और बंता भी हैं but he's very expressive and I really two two want shop. him to express something. We just want to hear right something now. from you. As a sportsman, I'm uh, I'm not happy कि मैं हारा. Yes. बट हार जीत तो लगी रहती है yes. गेम का पार्ट है आई एम सो सॉरी मैं तुझे टाइटल नहीं दे पाया और मुझे लिटरली अच्छा नहीं लगा बट ठीक है स्प्लिट्स विला नहीं दे पाया स्प्लिट्स विला 15 नहीं दे पाया तुझे लेकिन दुनिया की सारी खुशियां दूंगा आई प्रॉमिस क्या बात है क्या बात है प्यार जीतने आता ना प्यार जीता दिल जीता रोशाली जीती मोमेंट्स जीते मैंने स्प्लिट्स विला जीता है और मैं बोल रहा हूं बेबी हर शाली को सब प्यार करें क्योंकि तू है ही प्यारी हमने गेम तो नहीं जीता बट हमने बहुत लोगों के दिल जरूर जीते थे एंड मैंने हर्ष का दिल जीत लिया तो हर्षन जशवंत आखिरी समथिंग यू लाइक टू से अ विनिंग स्टेटमेंट आई मीन यू गाइस आर द चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ मुझे कहना है बोलो क्योंकि मैं जब शो में आने वाली थी जी

But I say approval Sir Mehu. Hence, proved. One thing yeah. I can take for sure is Benayama. Yeah. And because of whatever happened in the show, the Dosti Tuta and But I'd love to get back, you know, to you guys and get the bonds back because I think we all have a great family together. Yes, yes, that's the most important thing, guys. So and we are celebrating love. That is the most important thing over here. And for one final time this season, Squeeze us! Please. please! Woo! Yeah! Oh, guys! confusion. <laughs> squeeze बस इतने से ही काम ना चले और क्या ही सीन हुआ है प्रेम भी एक से तीन हुआ है भाजवा क्या ही सीन हुआ है कृपया